एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वे टू टेक नॉलेज। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में कमेंट के बारे में। अब ये कमेंट क्या है? तो कमेंट जो है ना, वो एचटीएमएल में भी आता है, सीएसएस में भी आता है और जावास्क्रिप्ट में भी आता है। और भी आप जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे, सारे के सारे में कमेंट तो आए हैं। अभी मैंने जो लिखा है जावास्क्रिप्ट कमेंट, उसको भी मैंने कमेंट में ही लिखा है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से ये निकाल लेती हूँ, तो ये क्या बन गया, एक यहाँ पे वेरिएबल जो कि हमें ये रन करने नहीं देगा। देखिए, हम रन करेंगे तो क्या करता है यहाँ पे, ये भी देखते हैं। देखिए, कुछ नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया था, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रिंट करके नहीं देना है। हमने ये कमेंट किसके लिए लिखा है, कि हमें यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन मिल सके कि ये किसके बारे में है, हम क्या करने वाले हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट कमेंट है, उसके बारे में मैं देखने वाला है। तो मैंने इस टाइप का लिखा है। अब देखिए, हम HTML के अंदर, यहाँ पे हम HTML के अंदर अगर हमें कमेंट को यूज करना है तो भी हम कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे H1 टैग में लिखा है, हेलो दिस इज जावास्क्रिप्ट। ओके, इतना लिख दिया और इसको हम रन करके अब देखते हैं क्या हुआ इसे? ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, हेलो दिस इज जावास्क्रिप्ट। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा बताना है कि ये जो कोड है ना, ये हमें जावास्क्रिप्ट प्रेजेंट करने के लिए बता रहा है। ठीक है, तो हम कुछ भी लिख देते हैं, जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन, ये बता रहा है। बट अब इसे हम सेव करके रन करते हैं तो देखिए क्या होगा। ये हमें यहाँ पे सिंपली लिख किया गया, बट मुझे क्या करना है, सिर्फ मेरे लिए, कि हमें किसी को बताना नहीं है, इसको हमें हिडन रखना है, ब्राउजर पे शो नहीं कराना है, ये सिर्फ इस कोड एडिटर के लिए हमें यूज करना है। तब हम ये इसको जो है यहाँ पे हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में कमेंट के टू टाइप्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। जावास्क्रिप्ट कमेंट कैन बी एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल। ये कोड किसके लिए है वो हमें इंस्ट्रक्शन बताता है, वो हमें बताता है कि ये कोड किसके लिए है, इसलिए हम क्या करते हैं, कमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट जो है, ये तो एक पहला हो गया रे, और दूसरा भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट, खाली इतना लिखती हूँ और इसको हमें कमेंट करना है तो क्या करेंगे, हमें बैकस्लैश का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ पे सपोर्टेबल नहीं है, बट अलग अलग जगह पे सारी चीज सपोर्ट करती है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट की भी जो है हमारे पास, कंट्रोल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, CTRL प्लस स्लैश, ये वाले की जो आप प्रेस करोगे तो डायरेक्ट ही ये कमेंट हो जाने वाला है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं इजिली। ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग आप एडिटर में यूज करिए, अलग अलग लैंग्वेज में, तो आपको अलग अलग कमेंट करने की स्टाइल आपको पता चलेगा। किसी में हैशटैग और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देखिए अलग अलग तरीकों से हम इनको कमेंट कर सकते हैं, हमारी मर्जी, हम जैसे भी। बेसिकली क्या है, ये जो फाइल मैंने सेव की ना, वो HTML में की है, इसलिए यहाँ पे इश्यू आ रहा है। अगर मैं इसको जावास्क्रिप्ट में रन करूँ, सपोज हम यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट ऑन करते हैं या फिर जावास्क्रिप्ट के हम सेव करते हैं, तो हम यहाँ पे हैशटैग से भी नहीं और स्लैश से और उससे कर सकते हैं। जैसे जैसे ये देखिए, हमने इसको स्क्रिप्ट में लिखा तो ये हमारा जो है आने लगा कमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने जो स्क्रिप्ट के अंदर जो लिखा है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डबल स्लैश का यूज करके, तो ये हमें यहाँ पे प्रिंट करके नहीं बताने वाला। ठीक है, और ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया, बेसिकली टू टाइप्स जो होते हैं। ये HTML का कोड लिखना था इसलिए। ठीक है, चलिए हम एक अच्छी रीत से हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे H1 टैग लेते हैं और उसमें कुछ नहीं लिखना मुझे, सिर्फ ID के अंदर मुझे पास कर देना है ID। ID के अंदर मैं लिख देती हूँ my h, हेडिंग के लिए my h,
और एक बार हम यहाँ पे फिर टैग ले लेते हैं और उसके अंदर अगेन हम एक आईडी पास करेंगे। आईडी, आईडी में हम दे देते हैं माय पी, माय पैराग्राफ और माय आईडी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी कोड हमें लिखना है वो हम स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि आईडी पास करने के लिए होता है, और सबसे पहले हम माय एच जो आईडी है हमारा हेडिंग टैग के लिए उसको हम पास करेंगे। देन उसके अंदर हमें क्या लिखना है, तो इनर एचटीएमएल इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट कमेंट, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए तो ये देखिए जावास्क्रिप्ट कमेंट हमारे पास आ गया आउटपुट में। तो ये कहाँ से आ रहा है, तो ये आईडी के थ्रू, हमने स्क्रिप्ट के थ्रू पास किया है यूजिंग ये आईडी। ओके, अब क्या करना है मुझे, ये जो पी टैग है ना उसके थ्रू मुझे कोई एक कमेंट पास करना है या फिर कोई भी स्टेटमेंट पास करना है। तो हम अगेन वही का वही स्टेप फॉलो करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर हम हमारा जो सेकेंड आईडी है ना माय पी नाम से, उसको पास करेंगे डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, अभी यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है ये पास किया। अब देखिए जो एच वन टैग में था उसके अंदर हमने माय एच पास किया था, पी टैग के लिए माय पी पास किया था। अब जब हम इसे रन करेंगे तब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब इन चीजों को हमें डिस्क्राइब करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए हम क्या करें यहाँ पे, सिंपल एक सिंगल लाइन कमेंट का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेंज हेडिंग, जो कि एच वन टैग के लिए है। सेकेंड क्या करेंगे यहाँ पे हम, और इसको हम लिख देते हैं चेंज चेंज पैराग्राफ, ये पैराग्राफ के लिए हमारा कमेंट था और ये हेडिंग टैग के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आ रहा है, जब हम रन कर रहे हैं तो ये जो हमने लिखा था चेंज हेडिंग और पैराग्राफ वो हमें आउटपुट में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अब ठीक है, अब मुझे यूज करना है कि मैं मल्टी लाइन कमेंट का यूज करूँ। तो सिंपली हमें क्या करना है ना, अगर हमें किसी चीज को शो नहीं कराना है, कोड को हिडन रखना है कि वो ब्राउजर में हमें शो ना हो, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सारे के सारे कोड को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको सिलेक्ट करना है। और इसे हमें क्या करना है ना, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास एक और इधर बेसलेस और ये इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, या फिर मुझे जो स्क्रिप्ट के अंदर वाले जो कोड है ना उनको चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ये और एंडिंग पॉइंट पे आगे स्टार एंड स्लेश स्टार, सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे स्लेश एंड स्टार का यूज करना है और लास्ट में स्टार एंड स्लैश का यूज करना है। तो ये क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट। अब हमारे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, ये जो हमारा ब्राउजर है पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया है। मैं इसको हाइड करूँ या फिर इसको, दोनों बात एक ही है, कोई भी प्रिंट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।